श्री कृष्ण के प्रिय कदम्ब वृक्ष से टपक रहा है जल। बस्ती से इस वक्त की बड़ी खबर, पूजा अर्चना के लिए उमड़ रहे हैं भारी संख्या में श्रद्धालु। वैज्ञानिकों ने पर्यावरण के बदलते असर का परिणाम बताया है। कोतवाली इलाके के गधाखोर की पूरी घटना बताई जा रही है। तो बस्ती से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर श्री कृष्ण के प्रिय कदम्ब वृक्ष से जल टपक रहा है। पूजा अर्चना के लिए उमड़ रहे हैं भारी संख्या में श्रद्धालु। वैज्ञानिकों ने पर्यावरण के बदलते असर का बताया है परिणाम। बड़ी खबर आपको बस्ती से बता दें, श्री कृष्ण के प्रिय कदम्ब वृक्ष से टपक रहा है जल। बस्ती जिले में आज एक अजीबोगरीब घटना घटी, जहां एक कदम के पेड़ से अचानक पानी टपकने लगा। इस बात की सूचना जो ही आसपास के लोगों को हुई, लोगों ने यहां पहुंचकर इसे धर्म से जोड़ते हुए यहां आस्था का सैलाब बना दिया। इस पेड़ के पास लोगों ने अगरबत्तियां जलाई, चंदन लगाए, रक्षा सूत्र बांध दिया, यहाँ तक कि लोग चढ़ावा भी चढ़ाने लगे। हम आपको दिखाना चाहेंगे वो पेड़, ये पीछे देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से ये पेड़ है। ये पेड़ पूरी तरीके से गीला हो गया है, यहाँ लगातार पानी टपक रहा है, इसके पत्तों से ऊपर से लगातार पानी टपक रहा है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये पेड़ पूरी तरीके से गीला हो गया है। वहीं चंदन लगाकर, रक्षा सूत्र बांध करके, यहाँ तक कि लोगों ने रुपया चढ़ा करके इसे धर्म से जोड़ करके आस्था की बात लोग कर रहे हैं। यहाँ इस समय तमाम आसपास तमाम भीड़ भी इकट्ठा हो गई, आप देख सकते हैं। हम यहाँ के लोगों से पूछेंगे कि क्या कहेंगे इसके बारे में, कैसे जाने जी। काफ़ी श्रद्धालु यहाँ जुट चुके हैं और मॉर्निंग से मैं देख रहा हूँ, सुबह 6 बजे से लेकर अभी आज तक इस समय तक जो 11, 11:30, 12 समय है, अभी तक काफ़ी श्रद्धालु हमारे बीच में यहाँ हैं। और सारे लोग यहाँ, जो भी 2-1 रुपया के साथ साथ में, सारे लोग यहाँ आज भी बोल रहे हैं कि भोलेनाथ की कृपा है, जो इस वर्ष कांवड़ यात्रा का जल भदेश्वरनाथ से लेकर नागेश्वरनाथ से तामेश्वरनाथ तक नहीं चढ़ पाया, वही उनकी कृपा है कि अगर यहाँ भी चढ़ जाए तो कृपा है। आपने देखा कि किस तरीके से लोग इसे सीधे सीधे भोलेनाथ से जोड़ करके इस बात का दावा करने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ भोलेनाथ की कोई कृपा है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर पेड़ से अचानक किस तरीके से पानी क्यों टपक रहा है, इसके पीछे का क्या कुछ कारण है। रजनीश त्रिपाठी के न्यूज बस्ती। शाहजहांपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं।